नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। चलिए बात करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। केदारनाथ मंदिर में QR कोड लगाने का मामला आया सामने। DM ने मंदिर में QR कोड की जांच करने के दिए आदेश। DM मयूर दीक्षित बोले, कोई संदेह हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चार धाम की करेंगे यात्रा। बलरामपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, घायलों को एम्बुलेंस की मदद से भेजा अस्पताल। BJP की क्षेत्रीय अध्यक्ष बिजनौर द्वारा सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सत्येन सिसोदिया बोले, छोटी मोटी नाराजगी तो चलती रहती है। उमरिया में प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम, BJP नेता दिलीप पांडे मील का पत्थर साबित होगी PM के मन की बात। गजवा सौदा में SGOP ने ली मेडिकल संचालकों की बैठक, मेडिकल संचालकों को दी सख्त हिदायत, पुलिस प्रशासन का करेंगे सहयोग। गंजवा सौदा में पत्रकार मिलन समारोह और स्नेह भोज का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कई क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया दीप प्रज्वलित। गंजवा सौदा में अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी, ट्रक ड्राइवर को गोली लगने से मौके पर हुई मौत। सिरोज रोड पर हरगना खेड़ी के पास का मामला। हरिद्वार गंगा सभा के गंगा सेवक दल ने की सफाई, कनखल पर चलाया साप्ताहिक स्वच्छता अभियान, कनखल पर काफी कूड़ा पड़ा हुआ मिला। उमरिया में नगर पालिका परिषद पाली की सभागार में आयोजन, प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड की मन की बात, कुर्सियां खाली पड़ी रह गईं।